आपको मैं शास्त्री जी का उदाहरण देती हूँ। शास्त्री जी बहुत थोड़े समय के लिए जीवित रहे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अस्थि को लेकर के हम सभी लोग गए थे, मैं भी थी उसी में। तो जो कलश थे, अर्थि तो कोई दिखाई नहीं देती थी, शास्त्री जी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देते, सिर्फ थोड़ी सी अर्थियां थी उसमें, एशेस, वो एक कलश में रखी थी। उस कलश को देखने के लिए हर जहां से ट्रेन जा रही थी रास्ते पर लोग खड़े थे लाल ट्रेन लेकर। तो ट्रेन धीरे धीरे जाती थी, सब उस कलश के दर्शन के लिए बस नमस्कार करे, सब उसको नमस्कार। और जब वो अर्थियां समर्पित हो गई गंगा जी में, उसके बाद वो सब पहले में वो कलश गए कहां, पता नहीं कहां पड़े थे, वो खोजने से भी नहीं मिले, पता नहीं कहां पड़े गए, लोगों ने कहा जान दो हटा, कहीं चले गए होंगे, किसी ने चुराए भी नहीं, वो एक बैलगाड़ी थी उसके नीचे में पड़े, वहां से उठा के। मैंने कहा देखो इन कलशों को ही अभी तक नमस्कार करते आए, वहां से ट्रेन धीरे 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 चलती आई, हजारों मील से लोग आकर के उस कलश के दर्शन कर रहे हैं, और उस कलश में से फिर दूसरे वो एशेस ही थे ना, वो जैसे ही विसर्जित हो गए तो वो उस कलश को किसी ने पूछा भी नहीं, किसी काम का भी नहीं, कोई अर्थ ही नहीं रहा उसमें, एकदम यूजलेस चीज, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही, किसी ने उसको सजाया भी नहीं, संवारा भी नहीं, देखा भी नहीं, वहां नीचे में फेंक दी बैलगाड़ी के नीचे में, वो कहीं दबदबा जाते खत्म हो जाते। और जब उसको उठा के लाए लोगों ने कहा इसे कहाँ रखे, बेकार की चीज, इतनी बड़ी कार उठा ले जा रहे, फेंक दो इसको गंगा जी, क्या रह गए। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके व्यक्तित्व का है, मृत्यु से पहचान होती मनुष्य की, उसे जानना चाहिए, हर एक आदमी को मृत्यु आता ही है, इसी वजह से उसकी परख कैसी होगी, उसके परख के लिए मृत्यु आती है। मृत्यु के वक्त है, किसी के लिए दो आदमी रोते हैं, किसी के लिए दस आदमी रोते हैं, किसी के लिए पच्चीस आदमी रोते हैं, कोई कहता है मेरा पति मर गया, कोई कहते मेरी माँ मर गई, कोई कहता मेरा बाप। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जब मर जाते हैं तो जहां उनकी अर्थियां गड़ती हैं वहां से सुगंध की लहरें बहती रहती, उसके पास से आप गुजर जाओ तो कहते हाय किसके पास आ। मैं कश्मीर में गई थी, आश्चर्य की बात है, तो हमारी मोटर चली जा रही थी, मैंने कहा रोको 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 रोको, यहाँ किसकी समाधि, कहले समाधि नहीं है, मोहम्मद साहब का एक बाल रखा हुआ है यहाँ पे, उसको एक बाल कहते हैं, उसी को मैंने नमस्कार किया, एक बाल उनका वहां रखा हुआ, उससे ऐसे वाइब्रेशन चारों तरफ, मैं कहा हिंद और नहीं तो हम हैं किसकी, हमारी कीमत ही क्या है। और जब ये दीप जल गया है, हमारे अंदर ये प्रकाश आ गया है, तो उसकी तो इज्जत करो, उसको तो संभालो, उसको तो अपना, ये सोचने समझने की बात यही है, बाकी सब व्यर्थ का सोच करते बैठे हो, बाकी में सोचने की कोई जरूरत नहीं, करने वाला सब परमेश्वर है, सब कुछ वो करता है। अगर आपको सोचना ही है तो ये सोचना है कि क्या मेरा दीपक किसी योग्य है, मैंने कहाँ रखा मेरा दीपक, दीपक जला करके आप क्या टेबल के नीचे रखिएगा। ये कौन सा तरीका, इसका मापदंड अपने और ले लेना चाहिए, इसको सोच लेना चाहिए कि हमने अपनी मानवता कहां तक जगाई, उसको कितना हमने मैनिफेस्ट किया है, कितना हमारे मानवता का प्रकाश फैला है, दुनिया क्या कहती है हमारे लिए। आप लोग मुझे मानते हैं ना माँ, और गुरु भी मानते हैं, ठीक है, फिर मेरे जीवन के और भी तो दृष्टि करें, कभी सोचे हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हम मनुष्य हुए, हजारों वर्षों के बाद, और मनुष्यता के नाते आने पर फिर समझा कि मनुष्य क्या होता, लेकिन तो भी मैं अभी नहीं समझ पाती हूं कि अमूल्य रत्न हीरा मिलने पर भी मनुष्य उसकी कीमत क्यों नहीं करता है, मुझे बहुत ही कठिनाई होती, बिल्कुल कैजुअली आदमी रहता है इस मामले में, तो सारे क्या चले जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे,
कारण यह है, हीरे का मूल्य आप बाजार में जाके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई बाजार नहीं। इसका बाजार आप ही का हृदय, आप ही का मन, आप ही का संतोष, आप ही का विचार, सब कुछ आप ही के अंदर, आप ही से अपनी ही संतोष की बात। अपने ही में आप खेलते हैं, अपने में आप जागते हैं, अपने में आप रहते हैं, अपने ही में मजा लेते हैं, और ये सारे जो अपने हैं उनके साथ आप रचते हैं, उन्हीं के अंदर विराजते हैं। एक आदमी कहता कि देखो एक सहयोगी है हमारे यहाँ, एक आदमी और एक है कि वो ऐसा है। क्या आप सहयोग को बदनाम करें या उसको सुनाम दें, लोग क्या कहें? ध्यान में गहरा उतरना आना चाहिए। गहरा उतरने से ही नहीं होता, उसको फैलाना पड़ेगा। अगर आपने फैलाया नहीं तो परमात्मा आपसे पूछेंगे कि आपका दीप किस लिए जलाया था, कि आप अपने संसारिक भवसागर में घुस के फिर से बुझ जाओ, इसलिए आपका दीप जलाया था क्या? माने आप किस लिए माँ के पास गए थे, जागृति क्यों करने के लिए गए थे, किस वजह से? लगन होनी चाहिए, विचार सारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि मैं अपने क्षण 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 कैसे रहूं, कैसे चलूं, यही प्लानिंग होना चाहिए। दुनिया भर के प्लानिंग बंद करिए, वो सब परमात्मा करता है आपकी। उल्टा ही प्लानिंग हमेशा दिमाग चलाते रहता है, जिससे हमारा धर्म टूटता जाए। हमें ये कि सवेरे उठे, हाँ थोड़ी देर बाद बैठेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सो ही ले, बहुत कैजुअल हो जाता है। सहज चीज बहुत सहज मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जो सहज हुई है, माने आपके साथ जो जन्मी है, इसकी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली आई है और वो बनाई गई है, उसकी आप कीमत नहीं समझते हैं, उसको आप नहीं नाप कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कुंडलिनी बनाई गई, कैसे चढ़ाई गई, कैसे आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। आप तो सोचते हैं कि हाँ मिल गया, जैसे बाजार में जाकर आपने एक साड़ी खरीद लियो, चाहे कपड़ा खरीद लिया। नहीं 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 नहीं, ये अनंत की तपस्या है, इससे आपने पाया है, इसका मूल्य जानिए। इस पर गहरे गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे जाना पड़ेगा, तब आनंद और सुख इस संसार में आएगा। इस संसार की समता, एकता, इस संसार का उत्थान, सभी कुछ आप सहयोगियों पे है, ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़ा दें। अब आपने देखा ना, जिनको बाधा होती है वो आग भी नहीं बंद कर पाते, सामने दिखाई दे, पागल कोई ले आई आप, वो आग नहीं बंद कर सकता मेरे सामने, उसके आंख लपक लपक करती, फौरन में पहचान जाती इसको बाधा है, तो बोले चाहे बोले। अगर आपके आंख इधर उधर ज्यादा चले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बाधा ही हमारी है, स्टेडी क्यों नहीं हो पाती आंख, आंख स्टेडी रखिए। आपका चित्त इधर उधर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर बाधा है, क्यों नहीं हो पाता। हमारा मन घर छोटी छोटी चीजों में उलझता है, और छोटी छोटी चीजों में हम अपना जीवन घर बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए सहयोग के लिए, तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बाधा ही है, नहीं तो होना चाहिए। अगर आप देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मनुष्य को कोई धन मिल जाए तो फौरन उस धन के व्यय में वो लग जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी वाइब्रेशन आ गया, अब आगे क्या? अरे भाई, अब आपकी संस्था बना दी, अब संस्था चलाओ। संस्था बनाने की बात थी, तब की बात हमने कर दी, संस्था बनाने को तो बना दी आपकी संस्था, अब आगे चलाओ। आप संस्था खोलो अपनी और उसको चलाओ। कोई कहेगा कि लो भारतीय विद्या भवन बना दिया, अब आगे क्या? अब इसको चलाना है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो। इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाई। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम?